हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं, अच्छे हों। बिल्कुल तो मैं आज आप लोगों को वो जगह लेकर आता हूँ जहाँ दुबई बाहर से तो कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और लगता है। तो सबसे पहले एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे बैक साइड, देखिए दिखाता हूँ आपको। तो ये है बाहर का नज़ारा, जो कि यहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम भी करते हैं और मैं आपको फ़िलहाल दिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले मैं बाहर का आपका ब्यूटीफुल व्यू दिखा दूँ। ये देखें, नज़ारा बहुत अच्छा है ना? तब आते हैं बाल पर, देखिए। तो अंदर में बहुत सारा यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। देखिए, बेचारे लेबर लोग बाहर से आए हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा। तो वो लोग अपना लाइफ कैसा गुजार रहे हैं ये देखिए, बेचारे लोग अपना फैमिली को संभालने के लिए है ना काम कर रहे हैं। देखिए बेचारे बेचारे काम कर रहे हैं सुबह से, आज संडे है फिर भी इनका काम जारी है। तो सोचा आप लोगों के सामने भी शेयर कर दूं। जो लोग सोचते हैं ना, जो लोग आता है बाहर से, वो लोग सोचता है कि बहुत मज़े में है, बहुत इंजॉय करता है। तो देखो, हाँ देखो, तो इतना मुश्किल होता है कमाना, पैसा कमाना हा? देखो बहुत मुसीबत है। तो आप बेसिकली है, वो कहाँ से है आप? बांग्लादेश? हाँ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बांग्लादेश का है। तो कितना टाइम हुआ आकर यहाँ पर आपको? 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, 1 घंटा रेस्ट है। 1 घंटा रेस्ट है। तो 8 से 5 बजे तक का इनका काम होता है ना? और कैसा लगा आपको दुबई आके, यूएई आके? फर्स्ट टाइम आए हैं ना दुबई? फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, दुबई फर्स्ट टाइम आया। तो इससे पहले कहाँ पर थे आप? सऊदी, 20 साल उन्होंने सऊदी में गुजार दी। यही तो बात है ना, इंसान कुछ पैसा के लिए अपना फैमिली, घर बार, बच्चा, बीवी, मतलब हर एक को छोड़ना पड़ता है ये अपना रोजी के लिए, है कि नहीं? तो जो लोग भी अपना माइंड सेट जो सोच के आते हैं ना, पैसा बहुत है भाई, पैसा है लेकिन अपना नींद, चैन, सुकून है ना, रिश्ता, परिवार, तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए, कमाने के लिए। तो बेचारे लोग इतना मेहनत से कमा रहे हैं, और जो भी आना चाहते हैं ना, पहले ये चीज़ माइंड सेट अपना बैठा लेना है कि भाई काम मेरे को दिल खोल के करना है। अब जो इंडिया में आराम से 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ वहाँ टाइम पास करके गुजारता है, तो ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा हाँ कमाने के लिए भाई, टाइम पास नहीं चलेगा। हाँ बोलो ना जैसे भाई। देखना पड़ेगा कितना काम कर रहे हो। देखना पड़ता है, फोटो उठा के चुनना पड़ेगा, कटिंग करके चलना पड़ेगा। क्या काम? देखो मैं फिनिशिंग से काम कर रहा, कितना फिनिशिंग, दिन रात लगा देते हैं ये लोग, काम ऐसे नहीं करेगा तो क्या पड़ेगा, वही चीज है। तो सुन लिया ना भाई लोग, देखो ना मेरे दोस्त कितना मर रहा है ना, फिर दूसरी बार काम करना पड़ेगा ऐसा ही ये। हाँ दूसरा बार करना पड़ेगा प्लास्टर, तो अच्छा से आएगा, अच्छा से आएगा है ना, ज्यादा होगा तो काट देगा, ज्यादा होगा तो काट देगा। तो देखिए नहीं, लोग सोचते हैं कि दुबई में आया है ऐश करने के लिए आया है। हाँ तो वो ऐश करता है, है कभी कभी आदमी तो ऐश करता है लेकिन तो हाँ पैसा कमाएगा तो ऐश नहीं करेगा। हाँ वो तो है, लेकिन मेहनत कैसा है ये चीज उन लोग को बताओ आप, कैसा मेहनत? मेहनत मेहनत के लिए भाई उधर से नहीं आओ, दुबई से नहीं आओ है ना, दुबई में नहीं आओ है मेहनत के लिए। मेहनत के लिए दुबई में नहीं आओ? नहीं आओ। क्यों नहीं आओ दुबई में? दुबई में आना चाहिए तो अच्छा कंपनी चाहिए, अच्छा कंपनी जाता है तो अच्छा होगा। आपका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कंपनी जो रहता है बहुत फेक टाइप में रहता है, मतलब वर्कर का जो एम्प्लॉय, जो आम मजदूर जो है उनका केयर नहीं करता है वो, है ना? अच्छा वाला कंपनी होगा तो शांति होगा, अच्छा वाला कंपनी होगा तो शांति रहेगा। पर कंपनी बहुत सारा फैसिलिटी नहीं देता है क्या? सैलरी देते लेकिन कंपनी मेहनत ये सब थोड़ा ये कर देता है। और बीवी परिवार से छोड़ के कैसा फीलिंग होता है आपको, कैसा लगता है? नहीं वो भी कंपनी अच्छा है लेकिन नहीं नहीं, अपना परिवार को छोड़ के दूर रह के इधर फैमिली को छोड़ के कैसा लगता है आपको? मालूम है तेरा दूर से परिवार छोड़ के आया हाँ तो अच्छा नहीं लगता है कोई आदमी। हाँ हाँ तुम भी मैं भी प्रवासी हो गया तो तुम
दिल पसंद करे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तुम जब भी आओगे तो उधर से भी बच्चा के लिए आया, माँ बाप के लिए आया, रुचि के लिए आया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेगा तो पैसा मुल्क भी नहीं दे सकता एक दिन। बिल्कुल ये जो बात बोला सही बोला आपने, है कि नहीं। जो आदमी आएगा जो बहुत सारा आप लोग सुनेंगे कि वो लोग बोलते हैं हबीबी कम टू दुबई, कम टू दुबई, हाँ तो उसका क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है उसका बारे में? दुबई। तो ये कहने का मतलब ये है बेचारा कि दो पैसा कमाने के लिए आया ना, इंजॉय क्या करना है फैमिली के लिए, बस इंजॉय नहीं है इनका कहने का, इंजॉय नहीं है भाई बस। तो यही मेहनत इन लोग खुशी खुशी करते हैं और क्या फैमिली को संभालते हैं भाई, बस यही चीज़ है, माइंड सेट में बैठा लो। और जो परिवार को पैसा भेजते हैं घर वाले, बहुत लोग ऐसा भी है, बहुत सारे फैमिली ऐसा, आपका भी नहीं बोल रहा मैं, कुछ कुछ जो फैमिली है ना तो घर वाले क्या करते, पैसा जो भेजोगे ना तो देखो कैसे भेज रहे हैं पैसा, हाँ कैसे काम करके दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, एकदम सही। तो और बहुत लोग ये भी बोलता है कि मतलब फैमिली क्या फटाफट उड़ा देते, कोई कर लिया शॉपिंग, कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया, मतलब जिम्मेदारी नहीं समझते, इतना मेहनत से लोग कमाते हैं तो। और बहुत सारी फैमिली जो है उसको पता होता है कि कितना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं ना। देखो तुम कैसे मेहनत के पैसा कमा रहे, देख रहे हो तो अभी वीडियो में देखो कैसे आदमी काम कर रहा है ना। 8 बजे काम शुरू हो गया, 5 बजे काम शुरू ना, 1 घंटा रेस्ट है और भी रेस्ट नहीं है। इंजीनियर फॉर्म में तेरा साथ में, तू 1 घंटा 1 मिनट के लिए तू रेस्ट नहीं मिलेगा। तो हफ्ते में कितना दिन आपका काम होता है? 6 दिन। 6 दिन और एक छुट्टी, छुट्टी एक दिन, 7 दिन में एक दिन छुट्टी मिलता है और एक दिन ये मिलता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो गया तो ये। हाँ हाँ भाई का काम भी हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है आपका। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बस बताना चाहूँगा कि माइंड सेट अपना क्लियर रखना, अगर आना है गल्फ कंट्री, ज़रूरी नहीं कि आपको दुबई आना हो, गल्फ कंट्री अगर आना है तो आप माइंड सेट के सेट कर लीजिए, अपना चेंज कर लीजिए कि हम सिर्फ बाहर में अच्छी अच्छी बिल्डिंग देख रहे हैं तो बहुत लग्जरी लाइफ होगी, बहुत इंजॉय करेंगे, 2 घंटा 4 घंटा जैसा कटा लेते हैं काम इंडिया में। क्या बोल रहे हो ये बाथरूम में प्लास्टर है ना, बहुत अच्छा प्लास्टर के लेवल पूरा बिल्कुल लेवल है। अच्छा उसका थोड़ा कमती लेवल होएगा तो पूरा इंजीनियर तरह सैलरी काट देगा, सैलरी काट दे। सुन लिया? तो ये लोग का काम भी बहुत मेहनती, माने फिनिशिंग देना पड़ता है, फिनिशिंग अच्छा में करना पड़ेगा, अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि आके इंजीनियर चेक भी करता है, चेक करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का घर गए बना लिए, यहाँ पर हर एक काम को बारीकी से देखना पड़ता है। तो अपने माइंड को सेट रखिए अच्छे से, किसी आप जिसमें स्किल है आपका, अच्छा स्किल है, आप अच्छे से काम जिसमें माहिर, ये नहीं कि कुछ भी जानते हैं कर लेंगे, कुछ भी काम दे दो कर लेंगे, तो फिर वो आपको लेबर में आना पड़ेगा। जो काम में आपको हुनर है वो काम करिए अच्छा से। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि उन लोगों को वीडियो ये शेयर करना जो लोग बाहर आने का गल्फ आने का सोच रहे हैं, उनका माइंड सेट ताकि चेंज हो सके, ठीक है। बनाने का मकसद यही था।